हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमंत वर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्मार्ट बैंड जो कि लेनोवो ने लॉन्च किया है, जिसका कि मॉडल नंबर है HX03F। तो हम देखेंगे दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाएंगे, कंपेयर करेंगे इसको ऑनर A2 से साइज़ के अंदर कैसा लगता है। दोस्तों इसकी ख़ास बात बता दूँ आपको, ये कलर डिस्प्ले में आता है, TFT LCD इसका डिस्प्ले आता है। और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कलर स्क्रीन तो है ही, साथ में ऑल डे एक्टिविटी एंड स्लीप मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, और आपको जो मैसेज वगैरह है, कॉल वगैरह है, वो रिमाइंडर है, हर एक चीज़ दी गई है। तो इसको ओपनिंग बॉक्स को अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ मेंशन है क्लियरली, कलर स्क्रीन है, इंफॉर्मेशन नोटिफायर है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर इसका पावर इनपुट है, और 0.96 इंचीज़ का TFT पैनल है। तो ये अच्छी बात है, हार्ट रेट सेंसर के साथ में कलर डिस्प्ले भी आने लग गया है स्मार्ट बैंड्स के अंदर, वो भी बजट के अंदर 2200-2300 रुपये के अंदर। तो दोस्तों बॉक्स को खोलते हैं, इसको और इसकी रैपिंग हो रखी है, इसको भी खोल के देखते हैं। प्राइस की बात कर ले तो 2999 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 2300 रुपये में फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। इस तरह से बॉक्स दिया गया है, अच्छी पैकिंग है। ये यहाँ पर देखते हैं स्मार्ट बैंड है, देखिए आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले अंदर, देखते हैं साथ में बॉक्स में और क्या क्या है। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है, क्विक स्टार्ट गाइड है, और देखते हैं इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये है लेनोवो का स्मार्ट बैंड विथ कलर डिस्प्ले, इसके ऊपर उन्होंने स्क्रीन गार्ड लगा रखा है, इसको उतारते हैं। ऐसा लग रहा है स्क्रीन टूटा हुआ है, लेकिन ये स्क्रीन गार्ड है। ये देखिए दोस्तों ये इस प्रकार है, अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में। बाकी इसमें पेडोमीटर, स्टेप काउंटिंग, ये सब दिया हुआ है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, स्लीप मॉनिटरिंग भी दिया हुआ है। और जो इसका बैंड है ये सिलिकॉन से बना हुआ है, और एकदम घड़ी की तरह है इसका, जैसे घड़ी आप लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं, उस टाइप से इसका स्ट्रैप है। पीछे की तरफ यहाँ हार्ट रेट सेंसर है, स्पोर्ट्स है, फिर स्टेप काउंटिंग, फिर ये देखिए किस तरह से ये इसका हार्ट रेट सेंसर काम कर रहा है। तो ये आप देखेंगे मेरे पास ऑनर का A2 है, जो कि काफ़ी बढ़िया बैंड है। अगर आप देखेंगे तो दोनों में डिस्प्ले में खाली कलर और ब्लैक एंड वाइट यही फ़र्क मिलेगा, ऑलमोस्ट डिस्प्ले का साइज़ भी सेम है। तो यहाँ पर अगर दोनों साथ में करके हम इसका हार्ट रेट सेंसर को टेस्ट करके देखें, ये ऑनर A2 और ये लेनोवो का है, तो देखेंगे आप, टेस्टिंग हो रही है दोनों के अंदर। ऑनर A2 काफ़ी फास्ट है, देखेंगे जल्दी से इसने कर लिया है 81 पॉइंट्स, और यहाँ पर ये लेनोवो टेस्ट ही कर रहा है। तो देखो लेनोवो ने भी 87 यानी कि आसपास है, यानी कि दोनों के ही ठीक, 86 और 87 बिल्कुल ठीक है, दोनों इतने अच्छी तरह से हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर ली है, और दोनों ही काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। दोनों की बैटरी बैकअप क्या बता दूँ, तो दोनों 10 दिन आराम से चलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने लेनोवो A2 को पूरा टेस्ट किया हुआ है। एक बैंड और आता है शाओमी का HRX, जिसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसको बैंड को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है,
छोटा सा डिस्प्ले है ना, कोई इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, उससे बेटर है आप ऑनर A2 लें। और अगर आपको कलर डिस्प्ले लेना है तो आप लेनोवो ले सकते हैं। बाकी लेनोवो का मैं रिव्यू अभी करूँगा, बताऊँगा आपको कि क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं और क्या इसमें ख़राब बातें हैं। बाकी अभी फ़िलहाल इनिशियल इंप्रेशंस में दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। इसको आप किसी भी अडेप्टर में लगा सकते हैं और आराम से चार्ज हो जाएगा। ये अच्छी क्वालिटी सिलिकॉन का स्ट्रैप बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसको वापस लगाने के लिए आपको इस तरह से ही लगाना पड़ेगा। ये देखिए जिस तरफ बटन है उस साइड से आपको इसको खींचना है तो ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी इसको अडाप्टर में लगा दीजिए इस तरह से, तो ये चार्ज हो जाएगा आराम से, देखिए इस तरह से। तो दोस्तों मैं फिर बोलूँगा आपको इसकी फुल रिव्यू के साथ में, और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहूँगा। बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।